विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और विकलांगों के लिए अभियान आयोजित। पुरी में 19 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निःशक्त जनों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। इसी तरह जिला प्रशासन जिले में विकलांगों के कल्याण के लिए सरकार की सभी योजनाओं को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। राज्य विभेद आयोग की श्रीमती सुलेचना दास ने पुरी जिले का दौरा किया और अधिकार एवं अंतर अधिनियम 2018 के जिला स्तर पर क्रियान्वयन की समीक्षा की। स्थानीय सद्भावना सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इसमें राज्य विभेद आयोग की श्रीमती दास, जिलाधिकारी श्री सामर्थ्य वर्मा, अपर जिलाधिकारी श्री प्रदीप कुमार साहू, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री समीर कुमार दलेई, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार नायक, संभागीय अधिकारी, विभिन्न संगठन, गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जिले में दिव्यांगों के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। जिला अटॉर्नी के कार्यालय में एक बयान में कहा गया कि वे फूलों की व्यवस्था में शामिल थे और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट, पुरी, उड़ीसा से।